सो गुड मॉर्निंग गाइज, लास्ट नाइट आपने देखा था कि हम यहीं तक आए थे और MT हमने यहीं पे पार कर दी थी, बट अभी हम जा रहे हैं ऊपर अंजनी माता लेक तक। सो अभी ट्रैक करना है हमने ऊपर, सो अभी चढ़ते हैं यहाँ से ऊपर, धीरे धीरे पहुँच जाते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको बहुत बढ़िया नज़ारे। एंड यहाँ का नज़ारा देखो चारों तरफ। सो दोस्तों अभी यहाँ पे गाड़ी पार कर दी है एंड यहाँ से ऊपर होके के पैदल जाएंगे। ट्रैक होगा लगभग 1 किलोमीटर का, ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। सो गाइस अभी व्यू देखो, अभी चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाना है, थोड़ी ऐसा लग रहा है कि गला किसी ने पकड़ लिया हो चढ़ाई में। ऊपर ऊपर भी बंदे जा रहे हैं। आज दिखाएंगे आपको अंजनी माता लेक, काफ़ी बहुत अच्छी सुंदर जगह है और माता के चमत्कारों के बारे में। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अंजनी माता लेक। देखिए इस जगह की खूबसूरती को, देखिए लेक हमारी उस तरफ है, चारों तरफ का व्यू देख लो पहले आप, ये देख लो, ये देख लो जी। सो देखिए नज़ारे इस जगह की खूबसूरती के, ये है टूरिस्ट प्लेस हिमगिरी का। देखिए क्रिकेट मैच लगा हुआ है यहाँ पे, ओ हो हो हो। सो ये रहा पूरा का पूरा तालाब। और सो दोस्तों ये रहा रास्ता मंदिर के लिए, और पानी तो सूख चुका है अभी क्योंकि 31 दिसंबर है और नया साल लगने वाला है। नहीं तो ये तो खत्म हो गया ना, जहाँ से इस तरफ देखो। वीडियो बनाने डूब क्यों था, बनते हैं बनते हैं बस। सो दोस्तों देखो बॉल गई है झील के बीच में और दलदल है, कभी भी बंदा डूब सकता है, देख सकते हो जा रहा है अब। बुझेगी हुई है। ओ साते हलवा सुजन आका के ही पास कर चितेन पोंद घर ही जा रहे हम करता है पीछे पैर कर दे दे ना भाई ये चूहे रे ए हां रात बंदा बोला ना तो देखो दोस्तों झील के बीच में गया हुआ है बंदा, अंजनी माता की झील के बीच में। यहाँ पे पूरा दलदल, कहीं डूब ना जाए, देख सकते हो। देखिए दोस्तों ये रही अंजनी माता की लेक। फिलहाल अभी सर्दी का टाइम है तो
पानी सूख चुका है। जब बरसात का टाइम होता है तो ये पानी पूरा का पूरा भरा होता है, ओवरफ्लो होकर के सीधा इस तरफ चला जाता है। यहाँ पे जो स्ट्रेस बना है इसके ऊपर एक चार दीवारी बननी चाहिए जी, अच्छे से इसको डेकोरेट करके, सीमेंटेड करके। और जैसे अभी हमारे छोटे बच्चे जैसे खेलने आते हैं तो जब पानी इसमें भरा होता है तो एक खतरा हो सकता है जान माल का, तो उसे बचने के लिए एक चार दीवारी भी यहाँ पर आवश्यक होनी चाहिए। पहले यहाँ पर खेत हुआ करता था तो यहाँ पर 36 बैल डूबे थे। और सो आप सभी को इतिहास तो मैं रिमाइंड करवा चुका था, सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना आप, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ से ऊपर बिल्कुल ऐसी ही जगह है, इस तरफ जाओगे तो टोटली मतलब बहुत बढ़िया जगह है। बट यहाँ पे सड़क होनी भी ज़रूरी है, यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी भी होनी ज़रूरी है। एंड यहाँ पे कूड़ा करकट के लिए कूड़ादान बनाई हुई है अभी नई। यहाँ पे सबसे पहले तो सड़क की सुविधा होनी चाहिए, तभी यहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं जल्दी बिना किसी मेहनत के। सड़क फिलहाल नीचे है, देखो नीचे साइड भी देखो नज़ारे। एंड अगर आप यहाँ पर आते हो, फैमिली के साथ आते हो किसी एक दिन, चंबा से आपको सुबह निकलना पड़ेगा 8 से 9 बजे, और अगर आप कार में आते हो तो 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे सलूनी, और सलूनी से 1 घंटा लगेगा यहां तक, तो 3 घंटे एक साइड का टाइम रख लो आप। और यहां पर आपने खाना पीना साथ में लेकर के आना है, पानी की बोतल साथ में लानी है, और हो सके तो सर्दी के टाइम आओ तो गर्म पानी लाएं और जैकेट वगैरह सब कुछ डाल लें, क्योंकि यहाँ पर होती है काफ़ी ज़्यादा ठंड, तो मौसम बिगड़ते ही यहाँ पे बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है सर्दी के टाइम। और यहाँ पर आपने जूते डाल करके आना है यहाँ पर, क्योंकि ट्रैक करना पड़ता है 1 किलोमीटर का, तो चप्पल वगैरह टूटने का खतरा रहता है। बाकी आएँ फैमिली के साथ, आएँ दोस्तों के साथ आएँ, बाकी तो दिन को आएँ, रात को यहाँ पर रुक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरा है, जंगली भालू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ से देखो व्यू, यहाँ से धुआं दिख रहा है बिकॉज़ यहाँ पे बारिश आए हुए लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं, सो तब इतना ज़्यादा धुआं दिख रहा है, नहीं तो बारिश जब होती है तो क्लियर एनवायरनमेंट है यहाँ पे। हाय हाय हाय, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, सामने दिख जाती है आपको पीर पंजाल की रेंजेस, सामने वो वहाँ पे उंगली के साथ में वहाँ पे है साच पास। यार नच दे हो, यार नच दे वो नवाले, आज सारे यार नच दे। नाग का और 2 मंदिर हैं नीचे, सो यहाँ पे भी मैं गया था बट अभी घर जाना है, सो घर चलते हैं, फिर जाएंगे कभी नीचे। आँख खुली ते पता लग गया, मैं ते सपना देख रहा। आँख खुली ते पता लग गया, मैं ते सपना देख रहा। गाइस अभी पहुंच चुके हैं बाइक के पास, अब चलते हैं। फिलहाल धूल का तो कोई क्या ही इशू बनाएं, अब धूल तो यहाँ पर वैसे ही धूल ही धूल है, चलते हैं फिर घर। देखिए ऑफ रोड, यहाँ पे था वो जान का खतरा,
यहाँ पे हुई थी गाड़ी स्किट बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे स्किट यहाँ पे हुआ था। अभी भी जैसे हुआ मेरी पूरी लड लग गई जिसको बोलते हैं, बट थोड़ा बहुत कंट्रोल करना मैंने सीख लिया है। सो दैट्स व्हाई पहले दिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी मुझे, बट आज उतनी दिक्कत नहीं आई। सो गाइज ये था आज का दिन, पूरा का पूरा दिन, और आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, शेयर ज़रूर से करना है। ओके okay?